हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जीएस 40 के बारे में डिटेल से बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आपके क्वेश्चन लगातार आ रहे थे कि आखिर जीएस 40 की कहां से पढ़े और कौन कौन सा बुक जरूरी है। तो आज की वीडियो में आप सभी को बुक भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन किन बुक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो आपका 40 नंबर में कम से कम 30 प्लस आसानी से वहां से उठा सकते हैं। ये गारंटेड मैं बता रहा हूं, वहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आप सभी खुद देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट को बात करूंगा कि 40 नंबर की जीएस जो है ये कहां से तैयारी करेंगे, बुक भी दिखा दूंगा। उम्मीद है कि जितने भी आपने क्वेश्चन पूछा था अब तक मेरे पास में कि कैसे कैसे तैयारी करेंगे, चाहे व्हाट्सएप से हो, यूट्यूब से हो या कॉल करके, बहुत सारे लोग मेरा नंबर जानते हैं, अगेन मैं नंबर बता दूंगा। तो आज भी जितने भी मैं डाउट आपने पूछा है सारे क्लियर कर दूंगा। हो सकता है लास्ट में आपकी कुछ और क्वेश्चन बच जाए, तो आप मेरे नंबर पर बेधड़क जो है मैसेज कीजिएगा कि ये चीज़ें मुझे अभी भी नहीं समझ आई है, उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, किसी दिन लाइव आके और क्लियर तरीके से आपको समझा दूंगा। आज के क्लास में उम्मीद है कि सारे डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे कि हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ या करंट अफेयर, हर एक को समझना है। पहली बात कि जीएस जो होता है ना 40 नंबर का है, जो टीयरी 4 में एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट बार उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी लोग का एक्सपीरियंस हो चुका होगा या जो जॉब में कार्यरत होंगे और नेक्स्ट आगे के लिए प्रमोशन के लिए या आगे बड़े पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, है ना, तो उनको सब ऑलरेडी पता है पहले से। अब पहली बात क्या कि ये 40 नंबर का जीएस होता है ना 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में, 1 to 5 में नहीं होता। 1 to 5 में पूरा पेपर ही जीएस होता है। ठीक है, तो जो 120 में 40 नंबर का जो जीएस होता है उसमें 8-8 नंबर का 5 सब्जेक्ट बटा हुआ है। कौन कौन सा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ और करंट अफेयर। एक एक करके बात करेंगे लो, लास्ट में बुक भी दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा आपको कि आपको समझ आ जाएगा। पहले बात करते लो हिस्ट्री के बारे में। क्या बात करते लो? तो पहले बात करते लो हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री की तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से पढ़े कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपको बन जाए या सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको मिल जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हिस्ट्री में जो है 8 नंबर के लिए इतिहास जो है क्या पूछता है, तो 8 नंबर के इतिहास जो है सिर्फ पूछता है आधुनिक भारत के इतिहास। क्या पूछता है? आधुनिक भारत के इतिहास। क्या पूछता है? आधुनिक भारत के इतिहास पूछता है, जिसको बहुत सारे बच्चे INM बोलते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? INM। लेकिन याद रखिएगा, यही कन्फ्यूजन हो जाता है, INM का मतलब सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। अब होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ लेते हैं, उससे पीछे की घटनाओं को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा अभी समय प्रॉपर आपके पास में है, अब पूरी 8 क्लास पढ़ जाइए NCERT और प्लस SCERT से, NCERT और प्लस SCERT से पूरी किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए। और ये बुक बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि NCERT बुक आपके पास है, लेकिन बिहार बोर्ड का बुक है बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, तो उसकी चिंता नहीं करें, मैं आपके लिए बुक अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, वहां से आप बुक जाके, और वो भी बुक कैसा हाईलाइट किया हुआ, एक एक पेज को हाईलाइट किया हुआ, उससे कम समय में आसानी से आप पढ़ लेंगे, पूरी बुक को रिवीजन कर लेंगे। और उस बुक को अच्छे से पढ़ना है, उस बुक को क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, NCERT बुक और बिहार बोर्ड कौन से क्लास का? 8 क्लास का। उसके बाद 10th क्लास में आइएगा तो बिहार बोर्ड में 4th नंबर चैप्टर है, और वही चैप्टर जो है दूसरा नंबर चैप्टर है NCERT में, NCERT में दूसरा नंबर और बिहार बोर्ड में यानी कि SCERT में 4th नंबर चैप्टर। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, जो कि 4th नंबर चैप्टर दिया है SCERT यानी बिहार बोर्ड में, और सेम चैप्टर दिया है NCERT में दूसरा नंबर चैप्टर में, यानी चैप्टर एक ही है बस नंबरिंग अलग अलग है। ठीक है, यानी इन दोनों चैप्टर को आपको 10th क्लास में से पढ़ लेना है, 10th क्लास में से इन दोनों चैप्टर को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, यानी कि 8 क्लास पूरी पढ़ लेते हैं और 10th क्लास का एक चैप्टर, यानी कि NCERT में एक चैप्टर दूसरा नंबर और बिहार बोर्ड में एक चैप्टर 4th नंबर, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, तो आपकी जो है लगभग जो है तैयारी पूरी हो गई। लेकिन याद रखिएगा, लगभग और क्या उसमें चाहिए, तो और आपको चाहिए अदर बुक में कैसे, जैसे अदर बुक में आपके पास हो सकता है आपके पास लूसेंट का बुक हो सकता है महेश कुमार बंडवाल का वन लाइनर बुक हो, या हो सकता है आपके पास पॉकेट GK बुक हो, कोई भी एक बुक हो जिसमें जो है स्टैटिक GK टाइप का क्वेश्चन नहीं रहता है, जैसे लूसेंट में कैसे रहता है स्टैटिक GK टाइप का, वहां से आपको आधुनिक भारत पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? आधुनिक भारत पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है?
आधुनिक भारत आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है, आपको जो है किसी भी लुसेंट टाइप का बुक होगा, उस टाइप का जो भी बुक होगा, ऐसा नहीं है कुछ नया बुक खरीदिएगा, मैं लास्ट में बुक भी दिखाऊंगा, तो आपको जरूरी नहीं है कि वही बुक ले ले, आपके पास जो भी बुक होगा हर बुक का मैं ऑप्शन बता दूंगा कि ये वाला ये वाला ये वाला, इनमें से कोई एक बुक ले, ऐसा नहीं सब बुक ले लीजिएगा लो, ठीक है। तो लुसेंट हो, एक वन लाइनर बुक आता है, महेश कुमार बर्णवाल का बुक आता है, ठीक है, या किसी भी प्रकाशन का वन लाइनर बुक आता है वो ले सकते हैं, पॉकेट जीके करके एक बुक आता है ना, आरबीडी प्रकाशन का, तो जो भी हो वहां से आधुनिक भारत आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। और जो वन लाइनर बुक जो है ना, मैं बोल रहा हूं जो जिसमें लुसेंट टाइप का हो, तो ऐसा नहीं सिर्फ इतिहास ही काम आएगा, सारे सब्जेक्ट वहां से काम आएंगे, मैं अभी बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है, 8 क्लास का इतिहास पूरा पढ़ जाना है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से, 10th क्लास में से एक ही चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी से में भी, बिहार बोर्ड में से एक ही चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नाम बता दिया आप सभी को। अदर बुक जो है आपको ले लेना है कोई भी एक बुक, अगर होगा तो बहुत मोस्टली लोगों के पास होगा, तो दूसरा झंझट नहीं पकड़िएगा कि भाई दूसरा तीसरा ले, जो मैं दिखाऊंगा जरूरी नहीं कि वही नहीं लेना है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा तो पीवाईक्यू क्या होता है, तो इसका भी मैं बुक दिखाऊंगा, एक बुक आता है पूर्वावलोकन, आपको फोटो दिख जाएगा यहाँ पर, मैं दिखा दूंगा, तो उस पूर्वावलोकन बुक को ले लेना है, वो बहुत जरूरी है, जितना बता रहा हूं ना इतना सब जरूरी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़िएगा, याद रखिएगा हमारा स्लोगन है एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है और बिहार बोर्ड मजबूरी है, ठीक है। यानी एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और बिहार बोर्ड का किताब पढ़ना मजबूरी है, क्यों मजबूरी है, क्योंकि बिहार में आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो मजबूरी पड़ जाता है पढ़ने के लिए, तो दोनों ही बुक पढ़ना है। और तीसरा आप सभी को अदर बुक भी पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन हट के पूछ रहा है, थोड़ा सा आपको थोड़ा स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन जो है आपको दिमाग में रहनी चाहिए। पीवाईक्यू भी बहुत जरूरी है, इतना समझ आ गया इतिहास के लिए। अब आते हैं लोग दूसरे सब्जेक्ट देखते हैं लोग, यहां देखिए ये है ज्योग्राफी के लिए। अब ज्योग्राफी के लिए देखिएगा, ज्योग्राफी के लिए देखिएगा तो आपको ज्योग्राफी कैसे तैयारी करना है, तो ज्योग्राफी में देखेंगे तो थोड़ा सा सिलेबस हिस्ट्री की अपेक्षा थोड़ा सा सिलेबस इसका बड़ा है। इसमें क्या करना है आपको, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास यानी तीनों क्लास को देखना जरूरी है। 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास जो है देखना आपको जरूरी पड़ जाता है, 8, 9, 10 तीनों देखना जरूरी पड़ जाता है। लेकिन आपको आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे पास उतना समय नहीं है, हम जो है जॉब करते हैं या कि कहीं ना कहीं हम लोग कार्यरत है, उतना मेरे पास समय नहीं है, तो उस कंडीशन में आप जो है सिर्फ 9th और 10th भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ 9th और 10th पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी बिहार बोर्ड की किताब, ठीक है। लेकिन हाँ समय है, सेफ स्कोर चाहते हैं तो 8 के साथ में लेके चलिएगा, हालांकि 8 बहुत ज्यादा जरूरी नहीं रहता है, लेकिन समय के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, समय काफी आप लोगों के पास में, तो 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों ही किताब। अगेन बोलूंगा किताब नहीं मिलेगा हमसे संपर्क कीजिए, आपको सारे बुक्स अवेलेबल मिल जाएंगे विद हाईलाइट किया हुआ, पूरा हाईलाइट किया हुआ किताब आपको मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास तीनों क्लास के किताब को पढ़ लेना है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड। देन क्या उससे हो जाएगा, उतना से नहीं होगा, उतना तो पढ़ लीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन और भी सेफ स्कोर जाने के लिए एक बुक आता है महेश कुमार का, मैं यहां जो है ना यहां मैं अगर एक बात बोलूं, लेकिन आपको वही फॉलो नहीं करना, मैं बता रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े ना सिर्फ महेश कुमार पढ़ ले तब भी हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये बात जो है तभी कोशिश कीजिएगा जब बहुत इमरजेंसी हो, जैसे कि आपके पास एकदम समय नहीं है, आप जॉब करते हैं फुल्ली, आप जो है बिजी रहते हैं, मतलब चाहते हैं कोई एक बुक बता दीजिए जो हम लोग पढ़ ले, उस कंडीशन में फिलहाल अगर आपके पास प्रॉपर समय होगा तो आप एनसीईआरटी बिहार बोर्ड जरूर पढ़िएगा 8, 9, 10 का, देन उसके बाद महेश कुमार बर्णवाल का, और कौन सा बुक मैं दिखा दूंगा, सारे बुक दिखाऊंगा लास्ट में, धैर्य रखिएगा, ठीक है। तो उस बुक को आपको पढ़ लेना है, इस बुक का अकेले पावर है कि सारे क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, अकेले पावर है, इतनी गारंटी दे रहा हूं। जिनका मेन में भी ज्योग्राफी होगा ना तो समझिए उनके लिए रामबाण बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है, एंड स्पेशली उसमें से समझिए कि पूरी की पूरी क्वेश्चन आप लोगों को एक दिन एनालिसिस करके यहां दिखा दूंगा, टोटली क्वेश्चन हूबहू आते हैं, 40 नंबर का जो मेन आता है ना ज्योग्राफी, उसमें भी आपका यहाँ 35-36 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और 8 नंबर के लिए तो समझिए कि पूरी तरह से आपके लिए कामयाब बुक है, ठीक है। उसके अलावा पीवाईक्यू, अगेन पीवाईक्यू मैं हमेशा बोलूंगा
इसका जो है पूर्वावलोकन करके बुक आता है बीपीएससी पीटी का, बीपीएससी पीटी का एक बुक आता है पूर्वावलोकन करके, उस बुक को रखना बहुत जरूरी है। न्यू एडिशन ले लीजिएगा 2024 वाला, क्योंकि नया वाला में जस्ट पीछे वाला सारे क्वेश्चन उसमें ऐड रहेंगे। थोड़ा सा लेट से लीजिएगा इसलिए कि हो सकता है कि टीआरई वाला भी क्वेश्चन उसमें ऐड कर दे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा लेट से लीजिएगा, 10-15 दिन या महीने दिन रुक के, या फॉर्म जैसे भराना शुरू होगा ना तब लीजिएगा, अभी नहीं, अभी आपको नहीं लेना, अभी इसको इंतजार करना है, ठीक है। फॉर्म शुरू होगा आप लोगों का टीआरई 4 का अक्टूबर, हो सकता है कि अक्टूबर लास्ट तक आप लोगों को पता चले सारी चीजें, तो उस समय तक ये बुक जो है ना आना शुरू हो जाता है, तब लीजिएगा, अभी पुराना मिलेगा, पुराना एडिशन मिलेगा, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है। अब अगला आ जाइए, अगला लिखा हुआ साइंस। अब साइंस को कैसे पढ़ना है, यहां ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा सरदर्द है साइंस, सबसे बड़ा सरदर्द है, वाकई अगर सही भाई ने बोला जाने तो सबसे बड़ा सरदर्द ये साइंस ही है। इसलिए सरदर्द है, इसका ना पैर है, ना हाथ है, ना सर है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया है। अगर आपको साइंस के लिए 8 नंबर में 8 नंबर चाहिए ना, तो आपको पहले तो साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, यानी आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तब आ जाएगा पूरी की पूरी, मतलब 8 में 7-6 जरूर आ जाएगा। या आप जो है 8, 9, 10, 11, 12 इन 5 क्लासों का पूरी किताब एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को घोर के पी गए हैं, तब जाके, तब ये कंडीशन होगा कि 8 में 7 नंबर या हो सकता है 8 में 8 भी लगा सकते हैं। इस कंडीशन में अब उतना कोई करेगा नहीं। सबसे बड़ा प्रोसेस है जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जो आर्ट्स से हैं, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे इतना पढ़ने के लिए। पहली बात, सिंपल बात मैं बता रहा हूं। अब उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में 8 क्लास जो किताब है एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड, हमेशा मैं बोलता हूँ, किसी एक किताब को नहीं बोलता हूँ, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास, ये तीनों क्लास की किताब को एक बार जरूर रीडिंग डालना है। अगेन वही किताब मेरे पास से मिल जाएगा, जो भी किताब आपको चाहिए मिल जाएगा, लास्ट में बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। अब ये जो है ना 8, 9, 10 आपको पढ़ लेना है, उसके अलावा 11, 12 नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि भैया यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन, कभी कभी यहीं से 8 को में से 3-4 को रह जाता है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसमें से ह्यूमन बॉडी यानी मानव से संबंधित जो होगा टॉपिक ना, मानव संबंधित, मानव रोग हो गया है ना, या रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ था इसके पहले भी, ये वाला यकृत वाला पूछा हुआ था क्वेश्चन के लिए, मलेरिया वाला, मलेरिया परजीवी जो कहाँ स्टोर रहते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है कहाँ से रहता है, 12 क्लास के क्वेश्चन में से, मानव रोग एक चैप्टर वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था, वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो कुछ कुछ मेन टॉपिक जो है ना मैं आपको बता दूंगा, मेन मेन टॉपिक ये पढ़ लीजिए, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर जो 10th क्लास में है वो बहुत जरूरी है उसको पढ़ने के लिए। उसमें ब्रेन के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में दिया, नर्वस सिस्टम की पूरी एक डिटेल कहानी दे दी गई है, ठीक है। तो उस तरह का टॉपिक जो है मेन मेन टॉपिक छांट छांट के आपको पढ़ना पड़ेगा। अब वो टॉपिक कैसे होगा मैं सारे टॉपिक के बारे में बता दूंगा, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो सारी चीजें एक एक करके आ जाएगी। फिलहाल मैं आपको 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास ये 3 चीजों को पढ़ लेना है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से। देन उसके बाद आप लोगों को मेन टॉपिक पर ध्यान देना है। उसके बाद आप लोग क्या करना, एक एसपीडी का साइंस आता है, एसपीडी साइंस रेलवे, एसपीडी साइंस बुक आता है रेलवे, एसपीडी साइंस रेलवे का आता है, ठीक है। उसको एसपीडी साइंस का बुक आता है रेलवे का, वो बुक जरूर आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। इस बुक से क्वेश्चन आता है, बहुत आता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है। फिर वही पीवाईक्यू जो होता है पूर्वावलोकन का, उसको पढ़ लेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, मैथ कैसे पढ़ेंगे। तो मैथ का एकमात्र तरीका है, अगर आपका बैकग्राउंड मैथ से है तब तो आपको कोई चिंता नहीं है, तब तो आपको कोई चिंता नहीं है, 8 में आपका तो 4-5 यू ही बन जाएगा। और पीवाई सिर्फ आप पीवाईक्यू देख लेंगे, अगर आप मैथ साइंस से हैं, मैथ साइंस से, तो उतना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि आप मैथ की जो तैयारी करेंगे उसी में 8 नंबर की तैयारी हो जाएगा, अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और मैथ में भैया बड़ी भयानक डर लगता है कि भाई अब करें तो करें क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैथ में 0 बटा सन्नाटा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो लग रहा है कि भाई हमको 8 में जो है ना 8 नंबर में मुश्किल से 2 को बन पाता है, ठीक है, यानी 4 से भी कम जिनका बन रहा है, 4 से भी कम बन रहा है, यानी 50% से भी कम आपका बन रहा है, उस कंडीशन में क्या है, आप क्या कीजिए, उदाहरण के प्रश्न बना दीजिए। किस क्लास का, अगर बहुत लो है, बहुत लो है, तो 6ठा क्लास से उठाइए, 6ठा, 7वां, 8वां, 9th और 10th यहां से उठाइए, ठीक है। हाँ, कुछ आपको समझ आता है मैथ तो कोई दिक्कत नहीं है, 8, 9, 10 आप पढ़ सकते हैं, 8 क्लास, 9th क्लास जो है, 10th क्लास ये पढ़ सकते हैं, 3 क्लास को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
का क्या पढ़ना है आपको भाई, बुक में क्या पढ़ना है। इसमें एनसीईआरटी बिहार बोर्ड नहीं देखिएगा, कोई भी बुक हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो भी एक ही बुक, और अगर आपको बिहार बोर्ड है तभी होगी एक ही बुक, क्योंकि दोनों बुक एक ही है, सेम, अलग अलग नहीं है। इसमें एनसीईआरटी बिहार बोर्ड अलग अलग नहीं होता है, मैथ सेम टू सेम होता है। अब कोई भी बुक आपके पास रखा होगा, कोई भी बुक होगा, फिर अगर बुक अगेन बोलूंगा नहीं होगा तो मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। अब बुक के अंदर आप जाइएगा तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि चैप्टर से पहले उदाहरण दिया रहता है। जैसे मान के चलिए अभ्यास शुरू हो गया, अभ्यास ऐसे लिखा होगा, अभ्यास जो है 1.1 ऐसे लिखा होगा, ठीक है 1.1। उससे पहले कुछ उदाहरण के क्वेश्चन दिए रहते, क्या दिए रहते, उदाहरण का जो प्रश्न दिए रहते, उदाहरण क्या दिया रहता है। तो इस उदाहरण के प्रश्न को सब बना लेना है, इंग्लिश में जो एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको जो है आपको उदाहरण का प्रश्न ढूंढिएगा, और सारे उदाहरण का प्रश्न जो है आपको मिल जाएंगे, यानी सारे उदाहरण का प्रश्न जो है आपको क्या करना है, बना लेना है। बहुत कम जोड़ेंगे तो छठा सतवा आठवा नौवा दसवा ये सारे बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा आप होशियार होंगे तो 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास ये 3 क्लास हो जाएगा सिर्फ उदाहरण के प्रश्न, अभ्यास देखने की जरूरत नहीं है, इतना हो जाएगा तो काफी है। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा आप जो है इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, PYQ कर लीजिएगा। किसका PYQ, तो याद रखिएगा PYQ किसका करना है, तो आपको PYQ करना है वही पूर्वावलोकन वाला, यानी BPSC के PT का। पीटी से कभी कभी क्या होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है रिपीट कर जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पीटी वाला ही क्वेश्चन आ जाता है आपके भी एग्जाम में, ठीक है। तो वहां से कर सकते हैं तो हो जाएगा, लेकिन अभी समय प्रॉपर है, आप जो ये सारा पढ़ते आइएगा, क्या कीजिएगा, सारा पढ़ते आइएगा, ठीक है, सारा पढ़ते आइएगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना, आपके पास से प्रॉपर अभी समय है, ठीक है। यहाँ आ जाइए, अब रह गया करंट अफेयर का, क्या करें भाई करंट अफेयर के, क्या करें करंट अफेयर के, एकमात्र जड़ी बूटी है SPD करंट अफेयर। क्या SPD करंट अफेयर, एकदम पढ़ जाइए, बिल्कुल लड़ेगा, ना लड़ने के सवाल ही नहीं है। SPD करंट अफेयर का बुक जो है, बुक आप क्या कीजिए, खरीद लीजिए, है ना, बुक खरीद लीजिए, ठीक है। मतलब कि PDF मैं प्रोवाइड करा देता हूँ अपने एप्लीकेशन पर, बहुत सारे लोग जानते हैं, सारी चीज मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे सारे चीज मिलेगा आप सभी को, ठीक है। तो वहां PDF जो है दे दूंगा आप लोगों को, PDF क्या कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, PDF पढ़ते रहिएगा। पढ़ना कैसे है आप लोगों को जो है, मंथली पढ़ना है, मंथली मतलब क्या, अगर कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं, किसी भी चैनल का वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को डेली वाला करंट अफेयर नहीं पढ़िएगा, मंथली वाला पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, मंथली वाला करंट अफेयर पढ़िएगा, जनवरी से लेकर जनवरी, और पीछे नहीं जाना है, जनवरी से पढ़िएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके पढ़ते आइएगा लोग। हो सकता है आप लोग एग्जाम जो है दिसंबर या दिसंबर के बाद अगले साल जनवरी में होगा, ठीक है, अगले साल जनवरी में होगा आप लोग एग्जाम, हो सकता है, ठीक है, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है। तो आप लोग पूरा जो है जनवरी आप लोग पढ़ते आइए, जनवरी टू है ना 2025 का जनवरी जो है पढ़ते आइए, यहाँ तक पढ़ते आइए। करंट अफेयर पढ़ने का तरीका मैं कई बार पहले ही बताया हूँ, फिर आगे बता दूंगा कि करंट अफेयर का एक बहुत तगड़ा तरीका होता है, 12, 6 और 3, और यही तरीका मैंने पिछली बार बताया था, हमें लग रहा है कि मोस्टली बच्चों का सही हुआ था, मोस्टली कैंडिडेट जो है इतना तगड़ा करंट अफेयर में क्वेश्चन लड़ा हुआ था, इसके पहले हमको लग रहा है 8 में 6 क्वेश्चन ऐसे ही लड़ गए थे ये तरीका से। तो ये जो तरीका है मैं लास्ट में फिर अगेन बताऊंगा आप लोगों को, वो पूरी एक फाइनल जब होने शुरू हो जाएगी ना, फॉर्म भराना शुरू होगा तो बहुत बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। फिलहाल के लिए जो चीजें हैं आप इतना सारा चीज ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब रहा कि आप कहिएगा कि बुक कौन कौन सा है, बुक नहीं देखा है, तो आप सभी को बुक दिखा देता हूं, आ जाइए यहां पर, आप यहां आ जाइए, यहां बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं उठा कर ले गया हूं जो आपके किताबों में मौजूद है, आपके किताब में दिया गया है सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हूबहू आपके महेश कुमार बर्णवाल जो बुक बता रहा हूं ज्योग्राफी का, हूबहू क्वेश्चन लगा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं है, बुक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो मेरे स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, है ना, बुक ऑलरेडी यहां पर अपलोडेड है, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को अपलोडेड है, ये चीजें को सेम टू सेम किताब के अंदर है भाई, मेरे प्रूफ मैंने 3 से 4 बार दिखा चुका हूं, आप वीडियो पीछे जाकर देखिएगा, कई बार दिखाऊं फिर उसी प्रूफ को दिखाऊंगा ना, क्योंकि सेम टू सेम प्रूफ वही दिखाऊंगा, कोई अलग तो होगा नहीं प्रूफ, है ना, प्रूफ मतलब प्रूफ होता है, तो आप फिर कहिएगा कि भाई साहब एक ही चीज को कितना बार दिखाते हैं, कि नहीं, वो दिखा चुका हूं। अभी मेन फोकस था कि आपको जो है कौन कौन सा बुक लेना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, पहले 40 GS 40 तैयारी करें या 120 में 80 नंबर की तैयारी करें, क्या तैयारी करें, उसको मैं प्लानिंग आपको बता रहा था। ये सारी चीज को मैंने दिखाया, टोटल दिखा चुका हूं, आप एक दो दिन पहले मतलब एक दो पीछे वीडियो जाकर देखिएगा, सारा मिल जाएगा, ना सारा मिल जाएगा, 2 कॉपी ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं बुक के बारे में आते हैं, बुक को देखना शुरू करते हैं। ये रहा आपके समक्ष जो है बुक, रहा ये आइए,
ये रहा बुक आपके समक्ष, यहाँ देखिए, ये जो है ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक है, न्यू बुक नहीं है, याद रखिएगा, ये जो बुक है ये ओल्ड बुक है, और ये ओल्ड बुक आपको जल्दी मिल नहीं रहा मार्केट में, न्यू प्रकाशन वाला बुक मिल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर ये वाला बुक तो हमें मिल ही नहीं रहा, तो याद रखिएगा ये बुक जो है आपको अगर नहीं मिल रहा है तो घबराना नहीं है, मैं आप सभी को दे दूंगा, क्या करूंगा मैं आप सभी को ये बुक जो है मिल जाएगा, आप जो है बुक ले सकते हैं कहीं से भी, मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ऑलरेडी ये बुक अपलोडेड है, ऑलरेडी ये बुक जो है हमारे पास अपलोडेड है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बुक का नाम भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार कक्षा 6 से लेकर 12 सहित, ठीक है, महेश कुमार बनवाल का बुक है, ये बुक हो गया, यहाँ से आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, चाहे मेन में हो या 8 नंबर के लिए हो, ये आपके लिए रामबाण बुक है, एकदम रामबाण बुक है, एकदम पूरी तरह से है ना, ये ले सकते हैं भारत का भूगोल, ठीक है। अब ये रहा, मैंने बोला आप लोगों को कि पॉकेट जीके का जो है आरबीडी प्रकाशन का पॉकेट जीके बुक आता है, एक सामान्य ज्ञान का, ये तभी लेना है अगर आपके पास लूसेंट नहीं हो, तो आपको आपकी मर्जी है, दुकान में जाइए या तो लूसेंट ले लीजिए या तो ये वाला ले लीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, टू कॉपी कॉपी है है ना, दोनों एक ही बुक है, कुछ अलग नहीं है, तो मन करेगा तो इनका बुक ले लीजिएगा, मन करेगा तो लूसेंट ले लीजिएगा, आपकी मर्जी, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, जो इच्छा हो, या इसके अलावा अल्टरनेट देखेंगे तो एक आता है एनसीईआरटी का सार संग्रह वन लाइनर, ये तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, अगर होगा तो घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं कि भाई मन करे तो तीनों दो का उठा लीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है, कोई एक बुक ले लीजिएगा, ठीक है, जो बुक लेना होगा। अब ये जो मैं बोल रहा था पूर्व अवलोकन वाला बुक, ये 2022 का है, लेकिन आप लीजिएगा 2024 वाला, और 2024 नहीं, नया एडिशन लीजिएगा, अब के जो बोल रहा हूं कि थोड़ा देर रुक जाइएगा, अभी मत खरीदिएगा, एग्जाम का जब फॉर्म आएगा ना तो उस समय खरीदने जाइएगा, हो सकता है कि न्यू एडिशन आता है ना तो उसमें जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन भी ऐड रहता है, यानी जो उसमें TRE 3 का री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन ऐड रहेगा, है ना, तो वो लीजिएगा ना तो आपको फायदा ज्यादा करेगा, बहुत फायदा करेगा। ये पुराने का किताब है, इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है, इसको आपको नहीं लेना है, इसमें 1992 से लेकर 2020 तक का क्वेश्चन है, अभी आपको 2024 तक का क्वेश्चन का लेना है, ठीक है, नया लेना है, नया एकदम नया, और ये बिहार के लिए भाई, मेरे बता दूं ये बिहार के लिए एक तरह से एकदम रामबाण बुक है, जबरदस्त बुक है, जो भी मैं बुक दिखा रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक बुक दिखा रहा हूँ, और एकदम इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, एकदम हू बहू आएगा, एकदम टू कॉपी यहाँ से लड़ेंगे क्वेश्चन, बिहार के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना इसमें सारे के सारे क्वेश्चन विद प्रूफ आपको दिखाया हुआ हूँ, ठीक है, आप पुराना वीडियो उठा के देखिएगा, सारे के सारे दिखाया हुआ टोटली, नेक्स्ट आगे भी जैसे जैसे फॉर्म आएगा वैसे वैसे भी दिखाऊंगा बताऊंगा। ये बुक अगर आपको मिल जाए ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, बुक मिल जाएगा मार्केट में, एड्यूटेरिया का आता है बिहार तथ्य संग्रह, नया वाला भी आया हुआ 2024 का न्यू एडिशन, ये पुराना वाला है, नया का भी ले सकते हैं। अब ये रहा इतिहास के लिए, ठीक है, ये इतिहास के लिए ये बुक चाहे तो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मिल जाए तो, नहीं मिलेगा तो इसका भी मैं PDF आप लोग को अपलोड कर दूंगा, पढ़ सकते हैं। अब ये रहा बिहार का ही, वहां से तो सब्जेक्टिव हो गया, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं आप सभी जो है, ये इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार का वस्टिनिस्ट बुक जो है, यह अभी मेरे पास रखा भी होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये बुक जो है यही वाला सेम टू सेम यही बुक है, ठीक है, ये देख भी सकते हैं, इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हु बहु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा ऐड रहता है, इसमें हु बहु क्वेश्चन आते हैं, टू कॉपी वही क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये बुक का जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए है ना अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो BPSC का जो 70 एग्जाम होगा या BPSC रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा, बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम होगा, सारे क्वेश्चन यहां से देखने के लिए मिलेंगे आपको, इतिहास भूगोल इसमें सब दिया रहता है, इतिहास भूगोल सब कुछ, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको जो है ये स्पीडी करंट अफेयर बहुत बेटर है, आप इसको ले सकते हैं या मंथली PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, लास्ट में आप लोग किताब खरीद लीजिएगा, अभी हर मंथ का मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, नया अपडेटेड आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसको पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। और ये जो है ये जो बुक दिख रहा है ना, ये बुक है जिनको 11th 12th का ज्योग्राफी की तैयारी करना है, उनको 11th 12th वाले एक दिन डिटेल से बताऊंगा, अभी फिलहाल में याद रखिएगा आप लोगों को 8, 9, 10 11th 12th सब पढ़ना है, और उसके अलावा ये जो बुक है ना दृष्टि का नेट GRF करके आएगा बुक, इस बुक को ले लीजिएगा तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है ना, दृष्टि का प्रकाशन का बुक आता है, इसमें जो है NCERT बिहार बोर्ड को बहुत डिटेल से समझाया गया बताया गया, ये ले सकते हैं। जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा ये भारत का राष्ट्रवाद M. लक्ष्मीकांत का जो है ये बुक ले लीजिएगा, कौन सा M. लक्ष्मीकांत का बुक ले लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। जिनका मेन में होगा है ना, ये नहीं कि 8 नंबर के लिए, पॉलिटिकल साइंस तो खैर हो रहा नहीं है 8 नंबर में, या GS में जो है ये जिनका 1 to 5 है उनके लिए भी ये पॉलिटिकल साइंस की किताब नहीं लेना है, नहीं लेना है। जिनका मेन में होगा
यानी कि 40 नंबर में हो या 11 12th वाले लोगों का 80 नंबर का हो, उनके लिए ये जरूरी है, ठीक है, बाकी किसी के लिए जरूरी नहीं है। ये भी बुक उन्हीं लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है, सिर्फ 11 12th वाले लोगों के लिए, ठीक है। बाकी ये सारे बुक जो ऊपर में देखे हैं, ये सारे के सारे बुक जो है अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, या इन सारे बुक का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, सारे बुकों का पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा, सारे बुक का, कोई ऐसा बुक नहीं रहेगा जो आपको पीडीएफ नहीं मिले। अब कहिएगा भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगा हमको, किधर पीडीएफ मिलेगा, कहाँ से हम लोग पीडीएफ प्राप्त करेंगे, तो आप सभी को अगर पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो आप लोग सीधे जाइएगा, कहाँ जाइएगा, तो यहाँ पर आप लोग आइएगा, तो यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा, ये हम लोग का एप्लीकेशन का है, यहाँ पर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा तो आपको लोगो इस तरह के ऊपर में दिखेगा, ये जो लोगो दिख रहा है ये प्ले स्टोर में जाइएगा, ASC अकेडमी लिखिएगा तो इस तरह का लोगो दिख जाएगा, डाउनलोड कीजिएगा तो आप लोगों को पूरा ऐसे खुल जाएगा, और पूरा इसमें देखेंगे तो सारे चीज इसमें मिल जाएंगे आपको, जो जो चाहिए पढ़ना होगा हर चीज मिल जाएगा, टू कॉपी पूरी चीजें मिल जाएंगे, है ना, कोई ऐसा चीज नहीं है जो उसमें नहीं मिलेगा आप लोग को। जैसे ये मैं बुक बोल रहा हूँ, बुक आप लोग बता रहा था कि हाईलाइट किया हुआ, सारे बुक जो है मिल जाएंगे, ठीक है। सर्च क्या करना है आप लोग को, ASC अकाडमी ऐसे सर्च कीजिएगा, जैसे ही सर्च कीजिएगा आप लोग, जैसे ही सर्च कीजिएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे दिखने को मिल जाएगा। ये लोगो याद रखिएगा, ये लोगो जो है आप लोग याद रखना, ठीक है, ये लोगो जो है आप लोग को देख ले रहा है, जैसे ही सर्च कीजिएगा ये लोगो आप लोग को दिख जाएगा, और ये वाला जो लोगो दिख रहा है इस लोगो को आप लोग क्या कीजिएगा, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो है आप सभी क्या कर सकते हैं, ये वाला दिख गया आप लोग को, ASC अकाडमी ऐसे सर्च करना है और आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना, डाउनलोड कर लेना है, ये आप लोग को डाउनलोड कीजिएगा तो वहां हर चीज मिल जाएगा आप लोग को, हर चीज मिल जाएगा, और पेड कोर्स भी है आप लोग को, और बहुत सारे पीडीएफ आप लोग को फ्री में वहां मिल रहा है, जैसे NCERT बिहार बोर्ड का पीडीएफ जो है बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वहां मिल जाएगा, जो भी चीज चाहिए। और सारे बुक से रिलेटेड मैं MCQ जो है लगभग 6000 से ज्यादा MCQ जो है आप सभी को बहुत जल्दी वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ MCQ जो वहां पर अपलोड कर दिया गया है, लगभग जो है 4000 से ज्यादा MCQ जो है अपलोड किया जा चुका है और हम अपलोड होते रहेंगे। तो अगर मन करेगा तो बुक्स लेना हो NCERT का, बिहार बोर्ड का, या आपको जो है MCQ लेना हो, या कोई भी कोर्स लेना हो, जो भी चाहिए आप वहां से पढ़ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ होगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, किसी भी तरह का आपको लग रहा हो कि नहीं कि ये मेरे एक सवाल बच गया है, तो आप 9995501148 इस नंबर पर क्या कीजिएगा, बेधड़क कॉल कीजिएगा, बेधड़क क्या कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। नहीं मन करेगा कॉल करने का तो आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी क्वेश्चन को, मैंने अपनी क्वेश्चन की समस्या को, कोशिश कीजिएगा कि इसी पर, इसी नंबर पर अपनी समस्या भेजे, है ना, इसी यूट्यूब पर जो है समस्या लिखने से वहाँ पर समस्या जो है नहीं दूर हो पाएगी, यहाँ पर कीजिएगा तो डायरेक्ट मेरे पास पहुँचेगा, यानी कि यूट्यूब के पास जो कमेंट जो है उसमें को कमेंट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना होगा, कोई भी प्रश्न पूछना होगा, बहस से संबंधित हो या कुछ भी संबंधित हो प्रश्न, तो प्रश्न पूछना होगा तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या यहाँ पर जो है व्हाट्सएप कीजिए या कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी वीडियो आप लोगों को बेहतर लगा होगा, फिर किसी दूसरी क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।